अब बिहार में चटपटाएंगे पीएफआई और सीमी के गुर्गे। पटना हाई कोर्ट ने दिया झटका, टारगेट पर थे पीएम मोदी। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने और संविधान को पलटकर इस्लामी कानून स्थापित कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का षड्यंत्र रचने वाले 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के इस निर्णय से अब इन दोनों संगठनों की मुश्किलें बिहार में बढ़ने लगी है। जज विपुल एम पंचोली एवं न्यायाधीश रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने मंजर आलम एवं 4 अन्य आरोपितों की आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। वे सभी प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। खंडपीठ ने पाया कि आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस षड्यंत्र में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एजेंसी ने कई संवेदनशील साक्ष्यों का हवाला देते हुए उस षड्यंत्र के 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन और अथर परवेज के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि आरोपितों द्वारा उक्त षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल फोन व डिजिटल उपकरणों की जांच एजेंसी ने बरामदगी के बाद सरकारी तकनीकी लैब में की थी। अनुसंधान के दौरान संवेदनशील डेटा पर्याप्त किया गया जिसमें हजारों वीडियो मिले। उसमें षड्यंत्र के बारे में बताया गया और इन सभी आरोपितों की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के भावी दौरे में गड़बड़ी के षड्यंत्र की सूचना मिलने के बाद 11 जुलाई 2022 को पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में मोहम्मद जलालुद्दीन के घर पर छापेमारी कर उसके किराएदार ताहिर परवेज से कई संवेदनशील दस्तावेज और उपकरण बरामद किए थे। देश में सांप्रदायिक तनाव और देश की अखंडता के विरुद्ध षड्यंत्र की घटना पुलिस ने दर्ज की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2022 को जांच कराने का निर्णय लिया था। गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर ने अपनी स्वीकारोक्ति रिपोर्ट में षड्यंत्र में सम्मिलित अपने दूसरे साथियों का भी नाम लिया था। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के वकील केएन सिंह ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। इस षड्यंत्र के तहत प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों को संगठित कर 4 चरणों में पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जाना था ताकि भारतीय संविधान को पलटकर इस्लामिक राज स्थापित किया जा सके। षड्यंत्र के 4 चरणों को पूरा करते ही बिहारी देशों की शक्ति का सहारा लेकर पीएफआई अखिल भारतीय इस्लामिक कानून को लागू करना चाहता था। इन 4 षड्यंत्र को पूरा करने के बाद विदेशी शक्तियों का सहारा लेकर पीएफआई संविधान की जगह ऑल इंडिया इस्लामिक का लागू करना चाहता था। पहले चरण में देश के सभी मुसलमानों को संगठित कर उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देने की योजना थी। दूसरे चरण में चुनिंदा जगहों पर दूसरे धर्मों के लोगों पर हमला कर दहशत फैलाई जानी थी। तीसरे चरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ एक संधि कोट बनाकर हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र था। चौथे चरण में देश की पुलिस, सेना और न्यायपालिका पर नियंत्रण कर षड्यंत्र रचा गया था।